मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पत कुमार पांडे और वर्तमान में मैं जल जीवन मिशन के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रहा हूं। और जल जीवन मिशन में जितने भी क्षमतावर्धन की गतिविधियां होनी है, क्षमतावर्धन के काम होने हैं, वह उसमें एक जिले में मैं बतौर जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और जितनी भी ट्रेनिंग है उनकी गुणवत्ता, उनकी मॉनिटरिंग का सारा दारोमदार मेरे जिम्मे पर है। तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ग्राम पंचायतों में जो टेक्निकल पर्सन है, जो तकनीकी लोगों की नियुक्तियां होनी है, प्रशिक्षण होने हैं, उनसे जुड़े कुछ जानकारियां देने की कोशिश की थी। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो भरमार हैं जो लोगों को गलत जानकारी देने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको फिर से उससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारियाँ दूंगा जिससे जो लोग भी इस प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो उनके लिए बेहतर साबित होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जल जीवन मिशन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के नाम से शुभारंभ किया गया था। और जिसका उद्देश्य था कि है कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन योजना के माध्यम से हर घर को जल उपलब्ध कराया जाए। और उत्तर प्रदेश में भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर को जल उपलब्ध कराए जाने की योजना संचालित की जा रही है। मित्रों बता दें कि जल जीवन मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार जो क्रियान्वयन होना है पाइपलाइन परियोजनाओं का, उसमें प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन का काम भी किया जाना है। और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 13 लोगों का प्रशिक्षण होना है जो तकनीकी रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जो जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसके पहले भी प्रत्येक राजस्व गाँव में 5 महिलाओं को FTK यानी फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है जो जल गुणवत्ता की जाँच कर रही हैं। और अब उसी कड़ी में 13 लोगों का प्रशिक्षण होना है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 3 राजमिस्त्री, 2 प्लम्बर, 2 फिटर, 2 इलेक्ट्रिशियन और 2 पंप ऑपरेटर के साथ ही 2 मोटर मैकेनिक का भी प्रशिक्षण किया जाना है। मित्रों बता दें कि जो मैंने संख्या बताई है कुल मिलाकर के 13 लोगों का प्रशिक्षण होना है और यह विकास खंड स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों के लिए ट्रेनिंग एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। यह ट्रेनिंग एजेंसियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ट्रेनिंग एजेंसियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी, तमाम सवालात आपने किए थे, उसका जवाब भी देने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन सारे जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया जा सकते। इसलिए मैं आज आपको जो जिले हैं वो सारे जिलों में कौन कौन सी एजेंसियाँ काम कर रही हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करें अगर हम कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, फतेहपुर जनपदों की, तो यहाँ पर लखनऊ की एक संस्था है जिसको साइबर एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और साइबर एकेडमी द्वारा हाल ही में 5 महिलाओं का जो ग्राम पंचायत राजस्व गाँव के लेवल पर प्रशिक्षण किया जाना था FTK फील्ड टेस्ट किट के जरिए जल गुणवत्ता की जाँच के लिए संचालित किया गया है। और इसी कड़ी में अब 13 तकनीकी व्यक्तियों का भी प्रशिक्षण साइबर एकेडमी द्वारा इन जनपदों में किया जाना है। फिर से बता दे रहे हैं, साइबर एकेडमी जिन जनपदों में प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त की गई है उसमें कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और फतेहपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा बिजनौर, बरेली, उन्नाव और अमेठी, इन 4 जनपदों में JPS फाउंडेशन नाम की संस्था को लगाया गया है। साथ ही फिर से एक बार हम बता दें, JPS फाउंडेशन बिजनौर, बरेली, उन्नाव और अमेठी जनपदों में तकनीकी व्यक्तियों का प्रशिक्षण करा रही है। साथ ही विंग्स वेलफेयर एंड इलस्ट्रेशन ऑफ नीडी ग्रामीण सोसाइटी, जिसको बैंक्स के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, वह बहराई, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जनपदों में प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। और इसी के साथ स्वजन फाउंडेशन जो है वह मिर्जापुर, भदोही और बाराबंकी और बलिया, स्वजन फाउंडेशन एक बार फिर से हम बता दें, मिर्जापुर, भदोही, बाराबंकी और बलिया जनपदों में प्रशिक्षण दाई एजेंसी के रूप में चयनित है। इसके अलावा प्रज्ञावान एक संस्था है जो मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अमरोहा, यानी प्रज्ञावान जो है मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और अमरोहा जनपदों में प्रशिक्षण देगी। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट UP या गवर्नमेंट से रिलेटेड संस्था है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है जनपदों की, उसमें आजमगढ़, जौनपुर और माननीय मुख्यमंत्री का जनपद गोरखपुर शामिल है। इन जिलों में ये संस्थाएँ प्रशिक्षण देने का काम करेंगी। इसके अलावा जो प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउंडेशन है, इसको जो है वाराणसी, चंदौली और बागपत जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। इन जनपदों में एजेंसी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद,
तीन जनपदों में उजाला वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था को ट्रेनिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है और अर्ना फाउंडेशन को सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ जनपदों में ट्रेनिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है। बस्ती, सिद्धार्थनगर और गाजीपुर जनपदों में जेपी मेमोरियल रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट नाम की संस्था ट्रेनिंग देने का काम करेगी और इंडिको टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था जो है वो संत कबीर नगर, अयोध्या और लखनऊ जनपदों में ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। साई सहयोग संस्थान नाम की ट्रेनिंग एजेंसी झांसी, ललितपुर और बांदा जनपदों में प्रशिक्षण देगी। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सोसाइटी हरदोई, अलीगढ़, महोबा जनपदों में ट्रेनिंग देगी। आशादीप फाउंडेशन मेरठ और हाथरस जनपदों के लिए ट्रेनिंग एजेंसी के रूप में चयनित की गई है। इमिनेंस इनोवेटिव स्किल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को जालौन और चित्रकूट के लिए चयनित किया गया है। उसके अलावा जो महालावा इंटरनेशनल एजुकेशनल सर्विसेज LLP कानपुर और कानपुर देहात जनपदों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणदायी एजेंसी के रूप में चयनित है। मनोरमा महिला मंडल नाम की संस्था और अय्या इटावा में प्रशिक्षणदायी संस्था के रूप में चयनित की गई है। लेट यज्ञ नारायण मिश्रा मेमोरियल सेवा समिति मैनपुरी और कन्नौज जनपदों में प्रशिक्षणदायी संस्था के रूप में चयनित है और मेरा पथ एजुकेशन लिमिटेड जो है प्रयागराज और कौशाम्बी जनपदों में प्रशिक्षणदायी संस्था के रूप में ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। साथ ही इंदिरा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन नाम की संस्था को बुलंद शहर और मुजफ्फरनगर जनपदों के लिए चयनित किया गया है। चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी को एटा और कासगंज जनपदों के लिए चयनित किया गया है। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड हमीरपुर और फिरोजाबाद जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही KDS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस संस्था को गाजियाबाद और मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है। सुरभि अर्थ फाउंडेशन नाम की संस्था को शामली और हापुड़ को जिम्मेदारी दी गई है। सुभाष एजुकेशन सोसाइटी को अम्बेडकर नगर जनपद की जिम्मेदारी दी गई है। थिंक वे जीटा ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड को आगरा जनपद की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा असरफी ग्रामोद्योग संस्थान को गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी दी गई है। आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान को सोनभद्र और मऊ जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी संभल, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं इन जिलों की जिम्मेदारी अफिनिटेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था को दी गई है। और जो प्रशिक्षण होना है, प्रशिक्षण का जो दिशा निर्देश है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि कई लोगों के सवाल अभी भी आ रहे हैं कि प्रशिक्षण कैसे होगा, क्या करना होगा। तो जो तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण होना है, कुशल मानव संसाधन, ये प्रशिक्षण बता दें कि नौकरी की गारंटी नहीं लेता है। सरकार जैसे टेट और पेट PET और TET यानी शिक्षक, अगर आपको प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक बनना है तो उसके लिए टेट का परीक्षा पास करना जरूरी है और दूसरे विभागों में जाने के लिए PET का परीक्षा पास करना जरूरी है। ऐसे ही जल जीवन मिशन के तहत कुशल कार्मिकों को ट्रेन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण करके जल जीवन मिशन में भागीदारी निभाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कुशल कार्मिक के रूप में। यह आपके नौकरी की गारंटी नहीं लेता है बल्कि आपको एक कुशल कार्मिक के रूप में स्थापित करता है। तो पहले स्पष्ट हो जाएं कि लोग, जो लोग भी सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पर कि इस पर 70,000 सैलरी मिलेगी, 50,000 सैलरी मिलेगी, 25,000 सैलरी मिलेगी, ये सारे सूचनाएँ, सारे वीडियोज अभी भ्रामक हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। सिर्फ आपको प्रशिक्षण दिया जाना है और जो प्रशिक्षण दिया जाना है उसमें हम बता दें क्या क्या होना है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 13 प्रतिभागियों का चयन तकनीकी कार्मिक के रूप में कुशल मानव संसाधन के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना है और कई जगहों पर किया जा चुका है, कई जनपदों में ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है, जिसमें 2 प्लम्बर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 फिटर, 2 पंप ऑपरेटर, 2 मोटर मैकेनिक और 3 राजमिस्त्री शामिल हैं, कुल मिलाकर के 13 लोग। इनको कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार प्रतिभागियों को विकास खंड स्तर पर चिन्हित करके उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे पेयजल योजनाओं में जो अच्छेतित ग्राम पंचायतें हैं उनको पूरी तरीके से संतृप्त किया जा सके। प्रशिक्षण में जो अहम चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं वो उसमें हम बता दें कि प्रतिभागियों का इसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, दूरभाष यानी मोबाइल नंबर, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। और ये जो सूचनाएं हैं आपको ग्राम प्रधान के जरिए
ट्रेनिंग एजेंसी को मुहैया करानी जाए कराई जानी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप इन संस्थाओं से संपर्क करके इनके इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या विकास खंड पर आप एडीओ पंचायत के जरिए भी इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर हम ट्रेड वाइज बताएं कि ट्रेड में क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाना है, जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन में ट्रेनिंग दी जानी है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, तो सबसे पहले हम कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत ट्रेड टेक्निक इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे। इस प्रत्येक दिन सुबह 9:30 बजे इसका शुभारंभ होगा और लगभग आधे घंटे तक आपका पंजीकरण होगा यानी रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें आपको अपना नाम मोबाइल नंबर साइन करना होगा और मुख्य अतिथि जो भी होंगे उद्घाटन करेंगे, उद्बोधन करेंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और लगभग 1.25 घंटे का सेशन होगा, 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक के प्रत्येक दिन का, प्रत्येक बैच का मैं बता रहा हूँ। और जल जीवन मिशन के बारे में जो भी ट्रेनर होंगे, प्रशिक्षक होंगे, वो जानकारी देंगे और इसमें जल जीवन मिशन की पृष्ठभूमि क्या है, अवधारणा क्या है, क्यों शुरू किया गया, कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, घटक क्या है, क्रियान्वयन की रणनीति क्या है, कैसे लंबे समय तक संचालित हो सफल रहे और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे इसको सफल बनाने में, योजना जो है जब शुरू हो जाएगी तो उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन सारी चीज़ों पर प्रशिक्षक द्वारा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है के व्यक्ति हैं उनको जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद फिर लगभग फिर मुझे लगता है कि 2.25 घंटे का एक सेशन चलेगा जिसमें योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं, प्रधान हैं, जो ग्राम सभा द्वारा चयनित की गई हैं, उन ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या है और ग्रामीण समुदाय यानी आम आदमी जो यूजर होगा पानी का, वाटर सप्लाई के जरिए, जो टोटी के जरिए पानी मिलना है, तो उसमें उनकी क्या भूमिका होगी और तकनीकी कर्मचारी यानी आपका जो प्रशिक्षण होना है बतौर इलेक्ट्रीशियन, आपकी क्या भूमिका होगी, इस पर जानकारी दी जाएगी। फिर आपको लगभग 1 घंटे का भोजनावकाश मिलता है इस ट्रेनिंग के दौरान। फिर अगला जो सेशन चलेगा जल जीवन मिशन योजना के तहत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, रखरखाव होने रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन उसमें क्या करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी, दायित्व तो क्या होगा, उस पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि मैं भी बता सकता हूं कि इलेक्ट्रीशियन की भूमिका और दायित्व तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसमें जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा और वीडियो लंबा हो जाएगा बताने के चक्कर में, क्योंकि कुल 6 ट्रेड में 13 कार्मिकों के बारे में बताना है, तो उससे अच्छा मैं 60 में बता दूँ। आप पहले से तैयारी करके रखें अगर आपका चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, सूची में डाला गया है। इलेक्ट्रीशियन के संबंध में सैद्धांतिक तकनीकी व्यवहारिक जानकारी क्या है इसकी जानकारी दी जाएगी। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करें, अगर आपको कोई फॉल्ट आता है तो उसमें खतरा और क्या हो सकता है, बचाव कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देनी है। उपकरण क्या क्या उसमें शामिल हैं इस योजना में, उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनके इस्तेमाल कैसे करेंगे और सावधानियाँ कैसे बरतेंगे खुद की सुरक्षा को लेकर के, वायरिंग लेआउट कैसे बनाया जाता है, वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वायरिंग के नियम कैसे बताए जाएंगे, तार डालने की विधियां बताई जाएंगी। और फिर दूसरे दिन का, पहले दिन का ट्रेनिंग लगभग 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन के ट्रेनिंग में जो है फिर वही टाइमिंग होगा 9:30 से 10 बजे का, और प्रथम दिवस का फीडबैक लिया जाएगा कि क्या आपने सीखा, क्या चीज़ें छूट गई। फिर जो इलेक्ट्रीशियन को ट्रेनर द्वारा स्विच बोर्ड की फिटिंग के बारे में बताया जाएगा, स्विचेज एवं पावर बोर्ड फिटिंग तथा लाइन डालने के बारे में बताया जाएगा, मशीन से स्विच के अनुसार सनमाइका बोर्ड की कटिंग और स्विच ऑफ फिटिंग बताई जाएगी, विद्युत उपकरणों हेतु लाइन को प्रावधानिक करना, वायरिंग करना, बोर्ड स्विच ऑफ की फिटिंग करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ, और एक ITI स्टूडेंट की तरह आपको पूरी जानकारी, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की तरह पूरी जानकारी आपको दी जानी है। ट्रांसफार्मर से विद्युत मोटर तक बिजली की आपूर्ति व्यवस्था, पानी की टंकी पर प्रयुक्त विभिन्न उपकरण जैसे लगते हैं, बल्ब लगते हैं और सारी चीज़ें लगती हैं, उनको कैसे करना है, उनकी देखभाल कैसे करना है, सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर आपको जानकारी दी जाएंगी। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो लगाए जाने वाले उपकरण हैं उनकी गुणवत्ता क्या होगी, मानक क्या होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जानी है। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन के पास आवश्यक टूल किट क्या है, क्या होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और ये आपको प्रशिक्षण के उपरांत सर्टिफिकेट के साथ ही टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे, जो बतौर इलेक्ट्रीशियन के पास होने चाहिए वो आपको सर्टिफिकेट के साथ ही उपलब्ध कराए जाएंगे, ट्रेनिंग एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। फिर उसके बाद भोजन का अवकाश हो जाएगा, कुछ व्यवहारिक प्रशिक्षण होंगे और फिर लगभग 4 से 5 के बीच ओपन क्वेश्चन होंगे, आप सवाल जवाब कर पाएंगे ट्रेनर से, और 5 बजे सर्टिफिकेट का वितरण होगा, टूल्स का वितरण होगा और समापन हो जाएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रीशियन का। साथ ही प्लम्बर के लिए भी जैसे हमने बताया जल जीवन मिशन की भूमिका, उसको भी पढ़ाया जाएगा, उसमें समुदाय की, पंचायत की भूमिका क्या है इसके बारे में बताया जाएगा, भोजन अवकाश होगा, फिर
जल जीवन मिशन में प्लम्बर की क्या भूमिका होगी, प्लम्बर जो है वो जब औजारों का प्रयोग करेगा तो दस्ताना कैसे प्रयोग करे, चश्मा कैसे लगाए, जूते का कौन से प्रयोग करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जानी है। और साथ ही पाइपलाइन आदि की गुणवत्ता के बारे में भी उसको जानकारी दिया जाना है, और प्लम्बर के लिए टूल किट क्या जरूरी है इसके बारे में भी जानकारी दी जानी है, और इस टूल किट आपको ट्रेनिंग के दौरान ही प्रदान किया जाएगा। साथ ही पाइपलाइन को बिछाने, पानी रिसने के दौरान दीवार खराब होने का भय रहता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वाटर लीकेज की समस्या खत्म करने के लिए पाइप को खोलने बंद करने की जानकारी दी जाएगी। क्षति को कम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हैंड टूल की पहचान बताई जाएगी, प्रयोग बताया जाएगा, जिसमें हथौड़ी छेनी आदि का चयन कैसे करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, पाइप मोड़ने की विधि बताई जाएगी, चूड़ी बनाने की विधि बताई जाएगी, चूड़ी बनाते समय प्रयोग होने वाले तरल पदार्थों के उपयोग की निर्धारित मात्रा प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाइप फिटिंग करते समय टी एल्बो इत्यादि का चयन, उससे चूड़ी बना का विशेष ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाना है। जहाँ तक पाइप को जोड़ना, उसमें प्रयोग होने वाले रासायनिक पेस्ट लगाना, टेप जाली कपड़ा इत्यादि को मजबूती से प्रयोग करने के बारे में भी जानकारी दी जानी है। तो मैंने दो ट्रेड के बारे में जानकारी दी। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि मैं इस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अगला ट्रेड पर आता हूं, और अगला जो ट्रेड होगा वो फिटर होगा। फिर उसी तरीके से जो इस ट्रेड की ट्रेनिंग होनी हो, ये भी 2 दिन की होगी, और प्रथम दिवस में उसी तरीके से पंजीकरण होगा, जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, घटक के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, जल जीवन के रखाव के बारे में, ग्राम पंचायतों की भूमिका के बारे में, समुदाय और कार्मिकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो फिटर है उसकी क्या भूमिका होती है उसको बताया जाएगा। जल जीवन मिशन में उपकरण जो है उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सावधानियां कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक फिटर के तौर पर आप ड्राइंग बोर्ड कैसे बनाते हैं, टी स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन कैसे करते हैं, उपयोग करते हैं, सेट स्क्वायर्स, प्रोटेक्टर्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, बॉक्स, कंपास, डिवाइडर, स्केल, डायगोनल स्केल्स इत्यादि का प्रयोग कैसे करते हैं, पेंसिल्स आप डिफरेंट ग्रेड, ड्राइंग पेंसिल सबका प्रयोग कैसे आप फिटर के तौर पर करेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जानी है। जो पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति की प्रणाली है, परिभाषा बताई जाएगी, प्रयोग विधि बताई जाएगी, लाइन की का वर्गीकरण किया जाएगा, ढकी हुई, निर्माण विस्तार, डायमेंशन, सेंशन, पाइपलाइन की लंबाई, ड्राइंग सीधी और मोड़ों के अनुसार समांतर रेखाओं के आरेखण, रेखाखंड विभाजित, एंगल मानक, उसके प्रकार, बाई लेक्टिंग का तरीका बताया जाएगा, ट्रायंगल विभिन्न प्रकार के बताए जाएंगे, और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं जैसे मशीनरी पुर्जे, फिलेट चैम्बर की अवधारणा, सरफेस फिनिश, रीडिंग एंड इंटरप्रेशन ऑफ असेंबलिंग, ड्राइंग एंड डिटेलिंग, रीडिंग ऑफ ड्राइंग, इन सारी चीज़ों पर जानकारियाँ आपको बतौर फिटर दी जानी है। साथ ही अगर हम चौथे ट्रेड की बात करें तो 6 ट्रेडों में जो चौथा ट्रेड होगा वो होगा राजमिस्त्री का। तो राजमिस्त्री के लिए आप सोच रहे होंगे ट्रेनिंग की क्या जरूरत आन पड़ी, लेकिन हर व्यक्ति को जानकारी के साथ साथ कुशल होना जरूरी है, इसलिए कुशल कार्मिकों का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसमें भी उसी तरीके से शुभारंभ 9 बजे से 9:30 बजे से होगा, 10 बजे तक पंजीकरण होगा, उद्घाटन होगा, उद्बोधन होगा, साथ ही जल जीवन मिशन के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, घटक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें जल जीवन मिशन में एक राजमिस्त्री की क्या भूमिका होगी, क्या दायित्व होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राजमिस्त्री के कार्य क्या हैं, सैद्धांतिक और तकनीकी व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। कार्यस्थल पर कभी कभी खतरे भी होते हैं, उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा, खतरा और बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। राजमिस्त्री कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी है। राजगीर, गमला, जालीदार तस्वीर, सीमेंट की ईंट, ईंटों का निर्माण आदि की सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी और तकनीकी जानकारी भी इस ट्रेनिंग में दी जानी है। साथ ही सीमेंट, बजरी, रेत, मार्बल, लोहा आदि को मिलाने की विधि और उनका अनुपात क्या हो, संतुलन कैसा हो अनुपात का, उस सारी चीज़ों की जानकारी एक राजमिस्त्री के तौर पर आपको दी जानी है। जो प्रथम दिवस का फेज है वो खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन में फिर फीडबैक होगा, फिर दूसरे दिन में राजमिस्त्री को पानी रिसने के कारण दीवार और पाइप खराब होने से बचाने के लिए रिपेयरिंग की बात जानकारी दी जाएगी। वाटर लीकेज की समस्या के दौरान राजमिस्त्री की क्या भूमिका है, उसका निराकरण कैसे करेगा, उसके उपाय क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। संबंधित उपकरणों के प्रयोग की विधि के बारे में कैसे प्रयोग करें, सीमेंटेड कैटलॉगिंग कैसे करें, इनकी जानकारी दी जाएगी। नालियों, ड्रेनेज पद्धति के निर्माण के और उस बारे में जानकारी दी जाएगी और सावधानी क्या बरतें उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजमिस्त्री के पास आवश्यक टूल किट क्या हो, बैग क्या हो, सारी जानकारी दी जाएगी, और सारा टूल किट जल जीवन मिशन के तहत
के जरिए आप उन राजमिस्त्री के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को दिया जाएगा। फिर दोपहर का भोजन अवकाश होगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बात होगी, ओपन प्रश्न उत्तर होंगे, इसमें सवाल जवाब कर पाएंगे। अंत में जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और सर्टिफिकेट के साथ ही आवश्यक टूल प्रदान किया जाएगा और 2 दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक के ट्रेड की, तो इस ट्रेड में जो है फिर उसी तरीके से 9:30 से 10 का सेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का, उद्बोधन का, जल जीवन मिशन के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी, अवधारणा के बारे में जानकारी दी जाएगी, घटक क्या होगा, क्रियान्वयन कैसे होगा, रखरखाव कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जानी है। साथ ही ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय की भूमिका, मोटर मैकेनिक की क्या भूमिका होगी, इन सारी चीज़ों पर जानकारियाँ दी जानी है। मोटर मैकेनिक के संबंध में सिद्धांत क्या होंगे, तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान क्या रखना जरूरी है, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती जाएगी। दूसरे ट्रेड की तरह इसमें भी व्यक्तिगत सुरक्षा, खतरा और उससे बचाव, उपकरणों की पहचान, इस्तेमाल और सावधानियों के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। जहाँ तक प्रथम दिन की बात है, तो प्रथम दिन के जो अंतिम सेशन चलेगा उसमें तकनीकी कार्यों के निष्पादन में उपकरणों के मानकों का चिन्हीकरण किया जाना, परीक्षण के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार के उपकरणों की उपयोगिता, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोप, गेजेज, डायल बोर्ड, गेजेज डायल, इंडिकेटर्स, स्टेटस फिलर, गेज थेप, पिच गेज, वॉल्यूम गेज, टायर प्रेशर गेज, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना है। इसके बाद ही प्रथम दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा 5:30 बजे। दूसरे दिन के सत्र में फिर उसी तरह का फीडबैक का सेशन चलेगा, लोगों ने क्या सीखा, कैसे सीखा। फिर 10 से 11 बजे तक का जो होगा वो कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे, उसकी विधि क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनर द्वारा जानकारी दी जाएगी। फिर उन्हें तकनीकी कार्य प्रणाली के अंतर्गत मोटर में विद्युतीय कॉइल संरचना के मानक, खराबी, उन्हें ठीक करने के बारे में तकनीकी जानकारी दी जानी है। और फिर दोपहर भोजन के पहले तक आवश्यकता अनुसार संबंधित इसी जो जरूरतें हैं जो उसमें उपकरण लगेंगे उनके माध्यम से विद्युत मोटर की संरचना करने के अनुपयोगी कंपोनेंट्स को डिसमेंटल करना, तकनीकी प्रणाली के अंतर्गत क्या करें ना क्या करें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दोपहर का भोजन अवकाश होगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जानकारी होगी और फिर अंतिम में प्रश्नोत्तर होगा, ओपन प्रश्न चलेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट का वितरण होगा, टूल का वितरण होगा और फिर आप अपने घरों गाँव के एक प्रशिक्षित कार्मिक के तौर पर जाने जाएंगे। हम अंतिम ट्रेड पर आते हैं, पंप ऑपरेटर के तौर पर। पंप ऑपरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, उसे सुबह दोपहर शाम लोगों के पंप स्टार्ट करके पानी मुहैया कराना होगा, बड़ी जिम्मेदारी भरा पद है पंप ऑपरेटर के लिए। फिर उसी तरीके से प्रथम दिन की शुरुआत पंजीकरण के साथ होगी, मुख्य अतिथियों का उद्बोधन होगा, जल जीवन मिशन के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी, पृष्ठभूमि बताई जाएगी, अवधारणा बताई जाएगी, घटक बताए जाएंगे, क्रियान्वयन में रणनीति और जो समन्वय सहयोग है, रखरखाव है, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, दूसरे ट्रेडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय तकनीकी कार्मिकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। भोजन अवकाश होगा, फिर जल जीवन मिशन के में योजना निर्माण संचालन रखरखाव में पंप ऑपरेटर की क्या भूमिका है, क्या दायित्व होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। फिर 3:30 से 4:30 बजे का जो टाइम होगा प्रथम दिन का, उसमें पंप ऑपरेटर के संबंध में सैद्धांतिक, तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी, उपकरणों की पहचान के बारे में बताया जाएगा, इस्तेमाल और सावधानियां बताई जाएंगी, विद्युत मोटर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे इसकी स्थापना होती है, कैसे इसको देख रेख करना, रखरखाव करना है, कार्यस्थल पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा के उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर पंप ऑपरेटर ही मौजूद होगा, इसलिए कभी कभी आपदा के दौरान बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं तो उससे निपटने के उपाय भी बताए जाने हैं। द्वितीय दिवस में प्रथम दिवस यहीं खत्म हो जाएगा, द्वितीय दिवस में फिर प्रथम दिन का फीडबैक चलेगा, लोगों के सवाल जवाब चलेंगे। 10 से 11 बजे का दूसरे दिन का जो समय होगा वो पंप ऑपरेटर के लिए प्रयुक्त किए जाने विभिन्न उपकरण औजार के बारे में जानकारी दी जाएगी, हैंड एंड पावर टूल्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा, माप की प्रणाली, विवरण देखभाल, जैसे पानी कितनी जानी है, कितना पानी टंकी में भरना है, कितना परिवारों को जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, साकेट और सहायक उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी, कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो सबसे अहम है वह है कि उसमें पंप ऑपरेटर जो है ये फास्टनर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जानेगा, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में जानेगा, JJM के अंतर्गत पंप ऑपरेटर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख भी कई तरह के आपको रजिस्टर भी रखने होंगे, क्योंकि यूजर चार्ज जो पानी का यूजर चार्ज है समुदाय से लेना है तो उसके लिए आपको बिजली का खर्च सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना होगा। इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया था पंप ऑपरेटर के प्रशिक्षण का जो शुरू होगा तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भोजन का अवकाश होगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा, प्रश्नोत्तर होंगे जिसमें आप अपने सवाल जवाब, अपने मन में जो शंकाएँ होंगी उसका समाधान पाएंगे,
सर्टिफिकेट के साथ टूर वितरण होगा, समापन हो जाएगा। तो ये थी प्रशिक्षण से जुड़ी अहम जानकारियां, जो शायद आपको कोई भी यूट्यूबर जो आपको भ्रामक वीडियोज के जरिए जानकारियां दे रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो विभाग का व्यक्ति नहीं है, और इसलिए वो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए वीडियो बनाता है। हमारा जो उद्देश्य है, बेरोजगारों को कहीं सही जानकारी मिले और उसका उपयोग कर पाए। आप अपना नाम जरूर चयनित कराएं, अगर आपका नाम अभी तक चयनित नहीं है, आपके ब्लॉक में प्रशिक्षण नहीं हुआ है, आप उस योग्य हैं, आपने आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है संबंधित ट्रेड में, तो प्रधान से संपर्क करें। अगर प्रधान द्वारा नहीं चयनित किया जा रहा है आपका नाम, किसी बिना डिग्री होल्डर के चयन किया जा रहा है, तो आप ट्रेनिंग एजेंसी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ग्राम पंचायत में आईटीआई या पॉलिटेक्निक धारक, डिग्री धारक नहीं है, सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, तो ग्राम प्रधान जो सूची भेजेगा 13 लोगों का, उसमें सत्यापित करेगा कि हाँ इनके पास कोई इस क्षेत्र में अनुभव है, तो उस आधार पर भी प्रशिक्षण कार्मिक के रूप में उनका चयन किया जाएगा। क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के ट्रेड के लोगों का मिलना मुश्किल है, इसलिए सरकार द्वारा एक सुविधा दी गई है कि आप प्रधान से सत्यापित करा करके आप इस प्रशिक्षित कार्मिक बन सकते हैं। आपको पुनः बता दें कि ये प्रशिक्षण आपके नौकरी के लगने की पुष्टि नहीं करता है, एक आपको कुशल कार्मिक के रूप में स्थापित करेगा ग्राम पंचायत में। बाकी सरकार आगे क्या निर्णय लेती है आपके लिए, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी सरकार जो भी निर्णय लेगी, मैं अगले वीडियो में फिर करूंगा, आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सही जानकारी मिले और उसके जरिए आप किसी भी तरीके के ठगी का शिकार होने से बच पाएं। सरकार द्वारा इसके लिए कोई फॉर्म नहीं निकाला गया है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं निकाला गया है। आपको सिर्फ प्रधानों के जरिए सूची ट्रेनिंग एजेंसी तक, ब्लॉकों के माध्यम से या सीधे ट्रेनिंग एजेंसी तक भिजवानी है। जो ट्रेनिंग एजेंसियों का नाम मैंने बताया है, इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। तो आप किसी तरीके के बरगलाने वाली गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं आपको मिलती हैं, कोई आपसे पैसा मांगता है नियुक्ति के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तो आप अपने नज़दीकी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को या आदिशासी अभियंता ग्रामीण जल निगम को या माननीय जिलाधिकारी को या जिला विकास अधिकारी को सूचना दे करके, शिकायत पत्र दे करके इसकी शिकायत कर सकते हैं संबंधित साक्ष्य के साथ। गलत शिकायत करेंगे तो आप भी पढ़ सकते हैं, इसलिए जब भी कोई आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करें और उन साक्ष्यों के साथ आप अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को संपर्क करें। फिर से हम बता दें, आपका अगर चयन नहीं है, चयन सूची में नाम नहीं है, तो आप CDO से यानी मुख्य विकास अधिकारी से, शासकीय अभियंता यानी XCN से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जो जल निगम का है रूरल का UP के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर से संपर्क कर सकते हैं, जिनको जिला विकास अधिकारी कहते हैं, और इन सारे लोगों से संपर्क करके शिकायत करके अपने नाम का चयन करा सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही जानकारी के साथ, मैं जल जीवन मिशन की और जानकारियां आपको आने वाले वीडियोज में दूंगा। तब तक आपके सवालों का इंतजार रहेगा, आपके जो शंकाएं होंगी उनको कुछ अपने कमेंट्स में मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, जिससे उसका समाधान हो पाए। साथ ही कुछ जो कमेंट्स में जवाब देना दिया जाना संभव नहीं होगा, वह मैं आपको नए वीडियोज के जरिए देने की कोशिश करूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।